एटीएम से रुपया निकालकर घर जा रहे व्यक्ति से अज्ञात अपराधियों ने 25,000 की लूट की घटना की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार मछुआ पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी अमित कुमार फारबिसगंज बाजार के बंधन बैंक के एटीएम से 25,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रहा था। इसी क्रम में मछुआ पुल के समीप अज्ञात व्यक्तियों ने रुपए मांगे तो पीड़ित ने रुपए देने से इनकार किया तो उसे मार कर घायल कर दिया और उनसे 25,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देने में सफल रहा। तो वहीं पीड़ित व्यक्ति ने फारबिसगंज थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हमारा भांजा है, पार्किंग में आया था बाजार से, आज वो अपना एटीएम दिए थे, उसको मैं पैसा निकाल के घर जा रहा था। उधर से आया उधर से एक लड़का था, उसको मार करके कबार बार फोड़ करके पैसा और मोबाइल घड़ी ये सब छीन करके रोड में फेंक दिया इसको। तब हमको घर पर पता चला, दूसरे आदमी तो आ गया, तब वहाँ से आए उठा करके तब उसको हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ आपका भांजा का? अमित कुमार। किस जगह पर घटना हुआ? सेवाजपुर पुला के पास, मजबा सवाजपुर पुला के मजबा के पास। कितना रुपया निकाल के जा रहा था आपका भांजा? 25,000। कहाँ से निकाल रहा था रुपया? एटीएम। एटीएम कहाँ? बंधन ब्रांच। बंधन बैंक का ब्रांच से रुपया निकाल के घर जा रहा था, इसी बीच में आपका भांजा का रुपया छीन लिया गया। अभी आप थाने में आवेदन दिए? सर वहाँ से दिखाया, बोला जाँच करवाइए। दे दिए, अभी थाने में जा रहे हैं आवेदन देने। आपका क्या नाम हुआ? विक्रम चंद्र। आपका भांजा है क्या नाम? अमित कुमार मंडल। घर कहाँ हुआ आपका? मजुआ। वार्ड नंबर? 10। धन्यवाद।